राम राम भाई लोग। तो यार आज अपन लोग खेलने वाले राफ्ट सर्वाइवल। जी हम लोग कर गए। इस गेम में क्या होता है, अपन लोग ने इसका एक या दो एपिसोड ऑलरेडी ला रखा है। तो भाई अपन लोग 20 समुंदर के बीच में फंस चुके हैं और अपने पास बोट नहीं है, मतलब लकड़ी पे अपन लोग तैर रहे हैं। कुछ लकड़ी है, मतलब लकड़ी टाइप की, तो अपन लोग को उससे मतलब उस लकड़ी के अंदर, या फिर आप लोग बोल सकते हो जैसे वो लकड़ी रहती है ना, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे देखो ये बोट नहीं है, यहाँ पे जो लकड़ी है ना कसी हुई है, मतलब इससे अपन लोग को बोट तैयार करनी है। अब भाई समुंदर में काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ और भाई बहुत सी चीज़ तैर रही है, तो अपन लोग को उन चीज को पकड़ के, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो चारों साइड समुंदर है, तो अपन लोग को यहाँ पे बोट क्रिएट करके आइसलैंड पे जाना है। चारों साइड देख सकते हो, एक एक आइसलैंड दिख रहा है, तो अपन लोग को उस आइसलैंड पे जाना है। बट अपने पास यार अभी आप बोट देख लो, बोट अभी अपने पास बिल्कुल भी नहीं है। अपन लोग को इस बोट को बिल्ड करना है, इसको बड़ी करनी है, मतलब एक हिसाब से बोल सकते हो इस बोट को घर में बदलना है, मतलब अच्छी बड़ी बोट रखनी जिससे अपन लोग आइसलैंड पे जा सके। तो फॉलो करके अभी अपनी बोट देख सकते हो, मैंने मतलब बोट को चौड़ा कर दिया, लेकिन अभी इसको मतलब बिल्ड नहीं किया, मतलब भाई इसमें कमरे वगैरह नहीं बनाया बोल करके समझ रहा, बट इसको मैंने बहुत ज्यादा मतलब फैला दिया है, मतलब ताकि भाई ये बोट है ना बोल करके कहीं फंस ना सके, या फिर कोई तूफान वूफान आए ना तो बोल करके कहीं पे डगमगा ना सके, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको बिल्ड किया, मतलब बड़ा किया। यहाँ पे देखो सार्क घूम रहा है, अगर मैं नीचे गिरता हूँ तो सार्क मेरे को मार देता है। ऑलरेडी मैं एक दो बार बच गया था पिछला एपिसोड, अगर आप लोगों ने देखा तो भाई सार्क ने मेरे को पकड़ने वाला था, बट मैं जैसे तैसे बच गया था, तो मेरे को सार्क को भी मारना है। बट अभी सबसे पहले अपन लोग को अपनी बोट को बड़ा करना है, बोल करके इस बोट को बिल्ड करना है, इसके ऊपर भाई घर बनाना है, मतलब यहाँ पे भी घर बनाएंगे, इसके ऊपर भी, मतलब एक हिसाब से बोल सकते हो काफी बड़ी बोट बन रहा है। तो मैं सबसे पहले अभी फोकस कर रहा हूँ इस बोट को बड़ा करने में, फिर मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, मैं सोच रहा हूँ अभी एक दो कमरे बना लेता हूँ, फिर बोट को अपन लोग धीरे धीरे बिल्ड करते जाएंगे। तो सबसे पहले अभी मैं थोड़ा सा बिल्ड करूंगा और फिर यहाँ चारों साइड दीवार टाइप की भाई लकड़ी की, वो मतलब बोल सकते हो दीवार बोल सकते हो, दीवार बना दूंगा वाले करके। तो चलो फाइनली यार अपन लोग ने काफी ज्यादा आइटम यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो। बट भाई मतलब यहाँ पे देखो सबसे पहले सुबह थी और सुबह से सीधी नाइट हो जाती है वाले करके, यहाँ पे देख सकते हो भाई मतलब चारों साइड आइसलैंड है। अभी अपने को बोट क्रिएट करनी है, आप लोगों ने इसका दो एपिसोड देख लिया, दो से तीन एपिसोड डाला हूँ, बट अभी तक अपनी बोट क्रिएट नहीं हो पा रही, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे देख सकते हो वाले करके आप लोग, मतलब इतना ईजी नहीं है ना। तो मेरे को सबसे पहले अपनी इन्वेंटरी फुल हो गई, तो मेरे को यार मेरी यहाँ पे कौन सी चेस्ट कौन सी है मैं भूल गया, मेरे को यार नहीं आ रहा। एक सेकंड अपनी फिश फ्राई हो रही, तो इसको फ्राई हो जाने देते। यहाँ पे फिश पकड़ने का जाल भी लगा है, तो मेरी फिश एक आध दो फिश मतलब आ जाती है, जो जाल पड़ा है ना यहाँ पे देखो सामने जो दिख रहा है ना नीला नीला वो जाल है, तो वहाँ से मेरे को फिश मिल जाती है। सबसे पहले मैं पानी पी लेता हूँ, दो बोतल पानी भी बनता है पानी वाली मशीन, मतलब मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले बना ली, मतलब फर्स्ट एपिसोड ना फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में मैंने इसी पे ध्यान दिया था, मतलब जो बेसिक सी चीज़ें ना खाने पीने की और भाई मतलब मछली वगैरह बनाने की, वो मैंने पहले बना ली, ताकि देखो फॉलो करके बाद में दिक्कत ना आए, फिर घर तो ऐसा अपना बन जाएगा। तो मैं मतलब यहाँ पे अपन लोग का खाना फिश फ्राई हो रहा है और साथ में पानी भी मेरा बनता रहता है, और फिर मैं यहाँ पे फिश पकड़ने का जाल भी रखा है, जैसे मतलब एक दो फिश आ ही जाती है हर थोड़े टाइम में ना, एक दो फिश यहाँ पे आ जाती है मेरे जाल में, तो उसके कारण मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही खाने पीने से, तो मतलब आराम से मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ। सर्वाइव में मेरे को 1% दिक्कत नहीं आ रही फिलहाल बता रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही, बट अभी मेरे को बस जल्दी जल्दी काम पर ध्यान देना है, और मेरी जो बोट है मतलब इसको बिल्ड करना है। अभी यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले इस बोल्ड को आप लोग देख सकते हो, लेवल जैसे मैं लेवल अप हो जाऊँगा यहाँ पे अनलॉक होती जाएगी, तो अभी सिर्फ बोट को मैं बिल्ड कर सकता हूँ, और यहाँ पर चेस्ट है मेरे को एक और चेस्ट बनाना है, तो अभी मैं फिलहाल बोट को बिल्ड कर सकता हूँ और बोट के चारों साइड पर दीवार उठा सकता हूँ। तो देखो मैं फिर से अगेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने फिर से बोट को बढ़ा दिया लगभग वाले करके सब लोगों ने, थोड़ी और बोट को बिल्ड कर दी और थोड़ी और बढ़ा दी। आप देखो अपनी बोट कितनी बड़ी हो चुकी, अब भाई मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा बड़ी नहीं करना, अब मेरे को भाई सबसे ज़्यादा एयर करके ध्यान देना है बोट में। सबसे पहले अपन लोग को चारों साइड मतलब अपन लोग को पैक करना है बोट को, भाई दिक्कत आती है ना। तो चलो मेरी बॉटल मैंने क्रिएट कर ली पानी की, अभी फिर से मैं आगे ने एक और क्रिएट कर देता हूँ, तो चलो अपना पानी भी बनते जा रहा है। तो मेरे को जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा ध्यान देना अभी अपने को इसको मतलब अपन लोग को पैक करना है, सबसे पहले समझो ना इसको सेफ करना है, क्योंकि भाई जो आप लोग ने देखा नहीं है सार्क है ना ऊपर तक आ जाती है, आप लोग जैसे हम लोग देख रहे हैं वैसे ही होता है, बट जैसे अपन लोग नीचे गिरे ना पानी में तो वो सीधी आती है अपने ऊपर पकड़ने के लिए, और अगर अपन लोग थोड़ा लेट होते ना वो ऊपर तक चढ़ सकती है समझो ना, तो उसके कारण मेरे को भाई बोट को पैक करना पड़ेगा। और साथ में भाई मैं इसके ऊपर एक और बिल्ड करूंगा, छत बोल सकते हो या फिर फ्लोर बोल सकते हो, मेरे को बोले करके एक फ्लोर और बिल्ड करना है, जब मैं भाई बढ़िया वाली अपनी जो बोट बना सकूंगा या फिर आप लोग जो भी बोल सकते हो बोले करके, फिर मैं आइसलैंड के तरफ भले करके ट्रैवल करूंगा। आइसलैंड के लिए मेरे को अभी नेट मैट ऑन करना पड़ता है, तो भाई गेम का ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है। तो चलो यार भले करके ये मेरी चेस्ट नहीं है, मेरे को ध्यान से सबसे पहले देखना पड़ेगा मेरी चेस्ट क्या है, तो कुछ और है भाई चेस्ट कौन सी यहाँ पे, भाई मैं दो तीन ए चेस्ट है मेरे हिसाब से, चलो इसको देख ली, तो मेरे को चेस्ट देखनी ए भी चेस्ट नहीं है, क्योंकि भाई मेरी इन्वेंटरी फुल हो चुकी लगता है। यहाँ ए मेरी चेस्ट है, ए मेरी चेस्ट है, कहाँ देखो ये मेरी चेस्ट है फाइनली, तो आप लोग देख सकते हो ए रही अपनी चेस्ट। तो भाई इसमें मैं खाने पीने का सामान रख देता हूँ, क्योंकि देखो अभी अपने को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर
अगर अदर चीज़ देखना है तो मेरी कुछ उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बोट को बिल्ड करने में सारा सामान है ना, मैं उसको नहीं रखूँगा बल्कि गैस, तो मैं मछली वगैरह रख देता हूँ, यहाँ पे फिश रख देता हूँ। पानी की बॉटल लगेगी क्योंकि भाई पानी मेरे को बहुत जल्दी लगता है। तो चलो फाइनली सुबह भी होने वाली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं फटाफट बल्कि गैस लकड़ी इकट्ठे करने में फोकस करता हूँ। और मेरा लेवल 6 है, लेवल 7 हो जाएगा तो मैं थोड़ा और अनलॉक हो जाएंगी, मतलब अपन लोग की जो चीज़ें ना, जैसे बोट में छत बनाना है, फिर सीढ़ी लगाना है, तो वो धीरे धीरे अनलॉक होंगी, तभी अनलॉक होंगी जब अपन लोग लेवल अप होंगे। तो चलो फोन ले अपन लोग 7 लेवल तो हो जाएंगे बहुत इजी तरीके से वालू करके। तो चलो फटाफट अपन लोग करके यहाँ पे जितना भी माल मिल रहा है रखते जाते। मेरे को सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ रखनी है क्योंकि लकड़ियाँ सबसे ज़्यादा काम में आएंगी, क्योंकि बोर्ड को बिल्ड करना है, पैक करना है, ऊपर एक और फ्लोर बनाना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लकड़ी सबसे ज़्यादा चाहिए अपने को लकड़ी वालू करके। तो चलो फोन ले करके यहाँ पे देख सकते हो शार्क चारों साइड घूम रही है, अपने इंतजार कर रही है, बट मैं गलती बिल्कुल करने वाला नहीं हूँ। तो चलो फोन ले अपन लोग करके लेवल अप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, और भाई फाइनली लेवल अप हो चुका है अपन लोग की, सीढ़ी अनलॉक हो गई यहाँ पे देख सकते हो, भाई 2-3 चीज़ें और अनलॉक हो चुकी। तो चलो अपन लोग को अभी 8-10 लेवल का लेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अपन लोग को वो चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब अपन लोग घर बिल्ड कर सकते हैं, इतना अपने पास आइटम हो जाएगा बल्कि करके। तो चलो फोन ले करके अपन लोग इसको अभी साइड करते और अपन लोग बल्कि करके अभी घर को बिल्ड करते, मतलब भाई घर को थोड़ा मैं पैक करने का सोच रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में मैं पैक करने का सोच रहा हूँ। तो चलो फटाक से अपन लोग थोड़ी लकड़ी और इकट्ठा कर लेते, घर को पैक करूँगा भाई। फाइनली मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है अभी, तो भाई बादल भी कुछ नहीं वालों करके। तो मैं फटाक से सबसे पहले मैं घर को बिल्ड करूँगा जी वालों करके, क्योंकि भाई ऐसे मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं सबसे पहले घर को बिल्ड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो यार, एक जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब यहीं से ट्रैवल होगा आइसलैंड पे। तो सबसे पहले मैं अपनी बोट क्रिएट कर लेता हूँ, बड़ी बोट बना लेता हूँ। चलो तो फोन लिया गया सब लोग ने अपनी बोट को काफ़ी ज़्यादा वालों करके सभी बिल्ड मतलब बड़ा किया है, बट आप लोग ने यार वालों करके इसको पैक नहीं किया। तो अभी मैं जैसा कि बोल रहा हूँ, मैं पैक करूँगा सबसे पहले। तो चलो लकड़ियाँ मैं इतनी लकड़ियाँ मेरे लिए काफ़ी, तो चलो इस लकड़ी को भी उठा लेता हूँ, जो लकड़ियाँ इतनी काफ़ी हैं वालों करके, इससे जितना होगा ना आप लोग बोट को पैक कर लेंगे, जितनी भी होगी उतनी पैक कर लेंगे, फिर बाद में देखेंगे वालों करके। तो चलो यहाँ पे एक लकड़ी और है, तो चलो इसको भी उठा लेते हैं। तो चलो अभी फिलहाल यार वालों करके काफ़ी ज़्यादा लकड़ी हो चुकी है, अब जितना भी पैक हो रहा है मैं उतना पैक कर लेता हूँ। तो चलो ये रही भाई दीवार बोल सकते हो वालों करके यहाँ पे यार वालों करके, तो इसको मैं भाई लगा देता हूँ चारों साइड, तब भाई जितनी लगेगी उतनी ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया। तो चलो भाई फाइनली एक साइड तो पूरा पैक हो गया यहाँ पे देख सकते हो। अभी अपन लोग को अगेन लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी ताकि अपन लोग अपनी बोर्ड को पूरा पैक कर सके, फिर पैक करने के बाद वालों करके अपन लोग ऊपर की होर बनाएंगे वालों करके, समझना वालों करके एक और फ्लोर, फिर अपन लोग की बोर्ड क्रिएट हो जाएगी, फिर देखेंगे आइसलैंड बाइसलैंड वगैरह का कैसा सिस्टम रहता है, क्योंकि मेरे को उतना ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है गेम की, मतलब आइसलैंड पर कैसे ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जाल है, देखो मेरे को एक फिश अभी जस्ट फिश मेरे को मिल गई, मतलब इस जाल में मेरे को एक फिश मिल गई, तो चलो मैं इसको रख लेता हूँ। तो भाई लोग आज के लिए व्यवस्था है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार वालों करके। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना यार वालों करके। सभी लोग से दिल से रिक्वेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार वालों।